नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। आज हम आपको बिहार पर्यटन सीरीज में उस जिले के दर्शनीय स्थानों के बारे में बताएंगे जिसके राज्य और देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चे हैं, और उसका नाम है नालंदा जिला। इस जिले में पर्यटन के मुख्य रूप से चार जगह है, नालंदा, राजगीर, पावापुरी और बिहार शरीफ। तो आइए जानते हैं यहाँ के प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। अब हम पहले बात करते हैं नालंदा की। इस शहर की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम प्रमुखता के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन भारत में शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था, जहां पर तिब्बत, चीन, टर्की, ग्रीस और पर्शिया के अतिरिक्त और भी दूर के स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। साथ ही यह दुनिया के प्रारंभिक आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। कहा जाता है कि जब इस संस्था को पश्चिम से आक्रमक कारियों द्वारा गिरा दिया गया था, यहां आग लगा दी गई थी, तो यहां का पुस्तकालय लगातार 3 महीनों तक जलता रहा। आज भी विश्व के सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों एवं खंडरों को आप देख सकते हैं। 14 हेक्टेयर में फैले लाल ईंटों से बने इस परिसर में मंदिर, ध्यान लगाने के लिए हॉल, झील और बगीचों के साथ ही परिसर में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है, जिसमें खुदाई के दौरान मिली हुई बौद्ध एवं हिंदू कांसे की वस्तुएं और बिना क्षतिग्रस्त हुए भगवान बुद्ध के दुर्लभ मूर्तियां के अलावा इनके संग्रह में तांबे के प्लेटें, पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख, सिक्के, बर्तन और 12वीं शताब्दी के जले हुए चावल के नमूने आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला है राजगीर। खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और 5 पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर भारत के पवित्र एवं बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। राजगीर जिन 5 पहाड़ियों से घिरा है एवं जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है, उन विश्व प्रसिद्ध राजगीर की 5 पहाड़ियों का नाम है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। राजगीर में घूमने के लिए कई स्थान हैं, जिसमें पहला है शांति स्तूप, जो कि गृद्धकूट पर्वत पर बना हुआ है, जिसका निर्माण जापान के बुद्ध संघ ने कराया था। कहा जाता है कि भगवान महात्मा बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर बैठकर लोगों को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। इस स्तूप का व्यास 103 फुट और ऊंचाई 120 फुट है। स्तूप के चारों कोनों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित है। इस स्तूप तक जाने के लिए रज्जू मार्ग भी बनाया गया है, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। दूसरा है वेनुवन। बांसों के वन में बसे वेनुवन बिहार को उस समय के राजा बिंबसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेनुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेनुवन के ही परिसर में एक नव वेनुवन विहार का निर्माण करवाया गया है और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने, जहां सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी सबसे गर्म 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है सोन भंडार। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान पर प्राचीन काल में जरासंध का सोने का खजाना था। कहा जाता है कि अभी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छुपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खुदा हुआ है। सोन भंडार नामक यह गुफा राजगीर के विभारगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा जाता है कि खजाने को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने तोपों से गुफा के दरवाजे को तोड़ना चाहा, पर वो इसमें नाकाम रहे। अब आती है बारी राजगीर में महोत्सव की। यहाँ पर 2 महोत्सव है जो प्रमुख है। एक है राजगीर महोत्सव। हर साल 3 या 4 दिन के लिए राजगीर महोत्सव का आयोजन होता है। इस महोत्सव में मगध के इतिहास की झलक कलाकार गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह नवंबर महीने के अंतिम दिनों में मनाया जाता है। दूसरा है मलमास मेला। 3 सालों में एक बार राजगीर में यह विश्व प्रसिद्ध मेला अप्रैल या मई में लगता है। अब हम चलते हैं पावापुरी में। नालंदा जिले के राजगीर के पास ही पावापुरी है, जिसे जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला मंदिर है जल मंदिर पावापुरी। जल मंदिर 85 बीघे के तालाब के बीचों बीच कमल सरोवर पर बना हुआ है। जल मंदिर में मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरण पादुका है। जल मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 फीट लंबा पुल बनाया हुआ है, जिसे पार करना होता है। भगवान महावीर का जिस स्थान पर पारी निर्वाण हुआ था, वहां पर श्वेतांबर जैन मंदिर है। सोमसरण मंदिर वह मंदिर है जहां भगवान महावीर स्वामी उपदेश दिया करते थे। उन्होंने इसी स्थान पर प्रथम और अंतिम उपदेश दिया था। अब हम ले चलते हैं आपको नालंदा जिले के बिहार शरीफ। बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है,
सूफी संतों की धरती कहे जाने वाला यह शहर अपने आप में एक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ घूमने वाले स्थानों में मुख्य रूप से हिरण्य पर्वत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पार्क बनाया गया है। पार्क में रॉक गार्डन, वाटरफॉलिंग, गुजरे वाली गुफा भी है। मकर संक्रांति के दिन तो यहाँ आकर लोग पतंगबाजी का आनंद भी उठाते हैं। इसके अलावा बिहार शरीफ में मखदूम साहेब के मजार और बाबा मनीराम का अखाड़ा है। दोनों अपने अपने प्रसिद्धियों के लिए याद किए जाते हैं। नालंदा जिले का प्रमुख व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ की सिलाओ जगह का खाजा काफी प्रसिद्ध है। यह मीठे और नमकीन दोनों तरह का मिलता है। दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में हमने आज आपको नालंदा जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है, अगर आप इस जिले के हैं तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।